आर्च बिशप कार्डिनल तेलिसफोर पी टोपो का जो अंतिम प्रोसेशन है वो 10 अक्टूबर को मांडर से चल के राजधानी रांची पहुंचेगा और 11 अक्टूबर को अंतिम संस्कार होगा राजधानी रांची के सेंट मैरी कैथेड्रल में। उनका अंतिम संस्कार जो है वो पूरा किया जाएगा। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस लास्ट रिचुअल में कौन लोग शामिल होंगे। तो सबसे बड़े जो पॉप के जो दूत हैं या पॉप के जो अधिकृत फादर हैं, जो जिनका भारत में यानी पॉप का भारत में जो दूतावास है वहाँ से एक फादर आएंगे, केविन कैंथिस नाम बताया गया है। रांची बिशप हाउस से इसकी जानकारी दी गई है कि फादर केविन कैंथिस जो हैं वो पॉप के दूतावास से अधिकृत जो फादर रहेंगे होंगे वो इस फ्यूनरल प्रोसेशन में आएंगे, यानी वेटिकन के से आएंगे और वो पॉप के दूत के रूप में इस प्रोसेशन में शामिल होंगे। तो सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है। दूसरा और भी बहुत सारे बिशप आएंगे, जैसे पटना के बिशप के बारे में बताया जा रहा है और दूसरे तेजपुर के बिशप के बारे में बताया जा रहा है, और भी जो बड़े धर्मगुरु हैं तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। बिशप हॉप से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस लास्ट रिचुअल में शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बिशप हाउस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस लास्ट रिचुअल में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है आम लोगों की बड़ी संख्या रहेगी उस दिन फ्यूनरल प्रोसेशन में लास्ट रिचुअल में शामिल होने के लिए, लेकिन जो प्रोमिनेंट लोग कौन कौन हैं उसकी जानकारी हम अपने मंच के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। और बिशप हाउस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो पॉप का भारत में दूतावास है वहाँ के फादर केविन कैंथिस जो हैं वो इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल होने की बात कही जा रही है। बाद इसके अलावा बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो शामिल तो होंगे ही, लेकिन बहुत सारे जो बिशप हैं वो विभिन्न प्रांतों से आएंगे और वो इस फ्यूनरल प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लिहाजा उन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ रही है और उसकी तैयारियां भी अंतिम रूप दे दी गई हैं, ताकि उस दिन यानी 10 और 11 को जब ये कार्यक्रम हो तो उस दिन किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो जिससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की स्थिति हो। लिहाजा मांडर से रांची फ्यूनरल प्रोसेशन लाने की बात, उसका पूरा रूट मैप तैयार हो गया है। विदेश से कौन लोग आएंगे उसकी पूरी तैयारी हो गई है। भारत के स्तर पर कौन कौन से प्रांत से बिशप आएंगे उनकी तैयारी हो गई है। सेंट मैरी कैथेड्रल में जहां उनको दफनाया जाएगा वो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, यानी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और ज़्यादा वक्त भी नहीं है 10 तारीख आने में, लिहाजा तमाम चीज़ों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन विकास के साथ रांची के सेंट मैरी कैथेड्रल से शाहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।